हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हेलो ऋषु, हेलो श्रेयस, सब बढ़िया हो? आवाज आ रही बराबर? हेलो प्रणीत, हेलो श्रेयस, बढ़िया शुरू करें फिर अपना सेशन, क्या कहते हो? स्टार्ट करेंगे हम लोग। कमेंट आ रहे हैं वो लिख के बराबर चल रहा है ना? हाँ ओके, एक बार तेरा मोबाइल भी दिखा दे तो देख लेता हूँ। ओके ठीक बोल रहे क्या? ओके अभी आ रही है आवाज, बराबर आ रही है? तो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आवाज आ रही है, क्या आ रही है, तो फिर मैं शुरू करता हूँ बराबर से अपना सेशन। स्टार्ट करते हैं लोग इंपॉर्टेंट वाला। तो कमेंट आ रहा है? वो कमेंट नहीं आ रहा है। दिया वहीं पे रुक गया इधर, अभी तेरे यहीं पे रुका हुआ चल है। ओके लाइव चल रही है। ओके शुरू करेंगे हम लोग। हो गया, चलो। दो आवाज आ रही है, आई बराबर है आवाज? हाँ मैं हाँ, इधर ही हूँ। मोहसिन सर भी इधर ही है, सब लोग इधर ही हैं। हाँ मोहसिन सर है, आई बराबर। क्यों, क्या हो गया पुष्पेंद्र? हाँ मोहसिन सर है, सब लोग है बराबर, एकदम परफेक्ट है। ओके ठीक है, हाँ ओके साउंड ओके। ओके है। ओके ओके ओके, 2 सेकंड दे दो, मैं आवाज से थोड़ा 1 मिनट इश्यू सही करके आता हूँ वहीं से। दो ऑप्शन है ना, माइक ऑन रखो और डेस्कटॉप ऑडियो ऑफ कर दो। कौन सा यार? डेस्कटॉप ऑडियो ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो। ये ऑफ कर दो। अभी खुल पीपीटी खोल दो ओके और क्या। ओके, अभी बराबर हो गया। हेलो ऑल इन वन अपडेट्स। हाँ विंडोज 10 एकदम मस्त वाला। सही है प्रणीत, अभी आवाज बराबर हो गई। हाँ चलो बढ़िया। हाँ अच्छा, सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने खास करके लिए आप लोग पे यहाँ पे सेशन रखा। आप लोग कह रहे थे कि मेन इश्यू आ रहा था कि स्ट्रैटेजी और वन मंथ प्लानिंग को लेकर के। सब लोग बोल रहे थे कि सर 1 महीने में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, कौन सी बेस्ट कॉलेजेस और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, वो सारी चीजों को प्लान लेकर के मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। तो सबसे पहली बात, टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, वो क्या है? टाइम टेबल एंड स्ट्रैटेजी। अभी टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं कि आप लोग को ये चीज तो मालूम है कि भाई मेरा 11:30 AM को और 7:45 PM को नॉर्मली लेक्चर्स होते हैं मेरे, बराबर 6:30 AM को, सॉरी 11:30 AM को और 7:45 PM को मेरा नॉर्मली लेक्चर होता है।
हेलो अभी आ गए बराबर है हुआ परफेक्ट हुआ अभी बढ़िया ठीक है चलो सही आवाज आ रही है भी परफेक्ट सबको चलो सही है। अब देखो जहां पे मैं तुम लोगों को डिस्कस कर रहा था यहां पे कि 11:30 AM को जो है हम लोग मैथ्स रख रहे हैं और 7:45 PM को जो है हम लोग इधर क्या रख रहे हैं हम लोग मैथ्स रख रहे हैं ठीक है। तो मैथ्स में आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत नहीं है ठीक है। आप लोग को जितना मैं करा रहा हूं उतना आप लोग करना है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ एक प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किया पीडीएफ में, बस आप लोग उतना ही करो, उसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर टाइम टेबल बनाने की। सबको आवाज बराबर आ रही है? हाँ तो फिर बराबर है ठीक है। अब यहां पे बात हो गई मैथ्स की, ये दो घंटा ही करने की जरूरत है। आपके पास अब क्या बचता है? बचता है आपके पास फिजिक्स, केम और बायो। अब इनको मैनेज करना जो है सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है इनको मैनेज करना। मैथ्स तो चलो मैं हैंडल कर रहा हूं, जितना मैथ्स करा रहा हूं उतना करके जाओगे आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इधर ठीक है। अब फिजिक्स के लिए आपको क्या निकालना है, एक घंटा आप निकालो, 1 आवर आप निकालो। एक घंटा अगर आप निकालोगे एक से लेकर के डेढ़ घंटे तक, 1 to 1.5 आवर्स तक अगर आप लोग निकालते हो तो एकदम बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सेम गोज विद केम, एक से लेकर के 1.5 आवर तक। सेम गोज विद बायो, एक से लेकर 1.5 आवर तक। अब आपको करना कि इस टाइम पे जो बात हो रही है ना हमारी, इस टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। किसकी प्रैक्टिस करना चाहिए? हो सकता है जितना मॉक टेस्ट लो उतना ले सकते हो, उतना मॉक टेस्ट लो, जितना रिविजन अगर आप लोग कर सकते हो उतना आप लोग रिविजन करो। तो ये सारी चीजों पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है ठीक है। अब पढ़ाई वाली बात करते हैं हम लोग, तो लोग बोल रहे सर नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। देखो नया कॉन्सेप्ट सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप नया कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे ठीक है तो तकलीफ क्या होती है कि जो पुराना है उसका रिवीजन नहीं हो पाता है और नए वाले सीखने में टाइम लग जाता है। तो करना क्या आपको, आपको अभी इस चीज पे ध्यान देना है कि भाई यहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा रिविजन करें और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। सबको कितना टाइम देना आपको, एक से लेकर डेढ़ घंटा, बस उससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा टाइम दोगे ना तो खुद ही का सर दर्द देगा ठीक है। और जैसे कि तुम लोग को मालूम है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे आराम से पढ़ाई करते हैं, एक घंटा मैथ्स को दे दिया, दो घंटा आपका हो गया, सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा मैथ्स आपका हो गया। बिकॉज 100 मार्क्स PCM का ही आप लोग जानते हो, 100 मार्क्स PCM इसका मैथ्स का है, 50-50 केमिस्ट्री का है। तो आप लोग क्या करोगे, 100-50-50 भी अगर आप लोग करते 200 आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हो यहाँ पे ठीक है। और जिनका बायो है उन लोग क्या कर सकते, भाई जो मैथ्स को टाइम दे रहे हो वो आप लोग टाइम बायो को दे दो ठीक है। जो आप लोग मैथ्स को टाइम दे रहे हो वो आप लोग बायो को दे दो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर आप डेढ़ डेढ़ घंटा भी अगर आप करते हो, बहुत इजी है अर्जुन। देखो बहुत इजी है स्टार्ट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले ध्यान में वही आप लोग बताने वाला था कि अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे ठीक है। स्टार्ट हम लोग किस तरीके से करते, पहले जो आप लोग को मैथ्स में खास कर कवर करना वो है कैलकुलस। सब लोग पूछते सर वेटेज किसका ज्यादा है, तो वेटेज में आप लोग को बोलूंगा वेटेज जो है सबसे ज्यादा कैलकुलस का है। तो पहले अगर आप लोग फोकस करो, स्टार्ट करो अगर, तो कैलकुलस पे मेन आप लोग का फोकस होना चाहिए। कैलकुलस में आपका कौन कौन से टॉपिक देखो कवर हो जाता है, आपका कंटिन्यूटी हो जाता है, आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है ठीक है, फिर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। अगर ये सारी चीजें अगर आप कवर करोगे ठीक है, कैलकुलस से आपका वेटेज जो है वो 14 से 16 मार्क्स का जो है आप लोग यहाँ पे वेटेज जो है इजीली कवर कर सकते हो। शुरुआत आप लोग यहां से आसानी से
कर सकते हो। अगर किसी को स्टार्ट करना है, कोई स्टार्ट करने की सोच रहा है मैथ्स को कि अब मुझे मैथ्स अगर स्टार्ट करना है तो किस तरीके से मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, तो स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे यहां पे कैलकुलस से। फिर दूसरा अगर आपको करना है, बिल्कुल अर्जुन शुरू से भी स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लोग क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मैंने आप लोगों को रिवीजन करवाया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो मैं आप लोगों को रिवीजन एमसीक्यूज करवा रहा हूं, वो आप लोगों ने देखा है स्पेशल क्लास मेरे, उन रिवीजन एमसीक्यूज को आप लोग को ध्यान देना है, उन रिवीजन एमसीक्यूज पे आप लोग को फोकस करना है, उसी को बोलो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पूरा नहीं करना है, जैसे अफनान को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, तो अफनान को क्या करना चाहिए, अफनान ये चीज कर सकता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या कर सकता है, वो रिविजन एमसीक्यू से फोकस कर सकता है जो मैंने कराए हैं, और जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करके जाओ। आप लोग ने केसीईटी का पेपर देखा जो मैंने आप लोग को देखने बोला था, कर्नाटक सीईटी का, बराबर, कर्नाटक सीटी का पेपर देखा था, तो मैंने कर्नाटक सीटी में कितने क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराए थे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को जो मैंने कराए थे वही आया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लेवल का मैं करा रहा हूं उस लेवल का आप लोग करके जाओ, आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग को उस चीज से फायदा होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल, बहुत चिंदी पेपर था, सही बात है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल को हम लोग किस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, जितना मैं बता रहा हूं ना अर्जुन कर्नर, तो आप इतना जो है आराम से 150 प्लस ला सकते हो, आराम से 150 प्लस के ऊपर जाएगा आपको, ये बात को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इन बाइनोमियल की बात करते हैं, मैंने बाइनोमियल का आप लोग को एक ट्रिक बताया कि बाइनोमियल कैसे सॉल्व करना, याद है आप लोग को, क्या ट्रिक बताया मैंने बाइनोमियल की, क्या ट्रिक बताया मैंने बाइनोमियल की, कोई बताओ फटाफट बताओ, बाइनोमियल की ट्रिक क्या थी, कि एनसीआर इंटू सक्सेस इंटू फेलियर, बराबर है कि नहीं, उस चीज का ध्यान देना है आप लोग को। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, प्रोबेबिलिटी में अगर कहीं पे भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आता है, तो मैंने क्या बोला कि जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूं उसी पे फोकस करो, उसी पे आप लोग आगे बढ़ो। बीइंग क्रेजी ने काफी अच्छी चीज पूछी थी कि हाउ टू नॉट थिंक अबाउट कॉम्पिटिशन। बीइंग क्रेजी एक बात हमेशा याद रखो, मैं अपने लेक्चर में ही बोलता हूं और आप लोग को भी ये चीज मैं बोलूंगा कि हमेशा खुद से कॉम्पिटिशन रखना, ये सोचो कि मेरे आसपास कोई है नहीं, ठीक है, ये सोचो कि मेरे आसपास कोई नहीं, हमें करना पड़ेगा, बिकॉज खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर नहीं है तो कंपटीशन का सोचो कोई फायदा नहीं है, मैं सिर्फ कंपटीशन के बारे में सोच रहा हूं, खुद को इंप्रूव नहीं कर रहा हूं, कोई फायदा है उसका, पूरा पढ़ाऊंगा आइडिया बॉन्ड, टेंशन मत, पूरा मैथ्स में करा रहा हूं, ठीक है, एक मंथ में पूरा मैं कराऊंगा। अगर आप लोग खुद ये बताओ कि अगर आपका खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो क्या कंपटीशन के बारे में सोच रहे कोई फायदा है, कोई भी फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। थैंक यू मिलान, थैंक यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद का, फॉर एग्जांपल मैं जब मॉक टेस्ट रखता हूं, आराम से रायन एंथनी आराम से कर सकते हो, निशांत लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये जब हो जाएगा तो आप मुझे कॉल करो, ठीक है। जब मैं मॉक टेस्ट रखता हूं, एक चीज याद रखो, जब मैं मॉक टेस्ट रखता हूं तो कितने लोग का ये टारगेट होता है कि चलो मैं आज 25 से तो 15 मार्क्स लेकर के आऊं, 15 में राइट करूंगा, टारगेट बनाना जरूरी है, बराबर है कि नहीं, टारगेट बनाना जरूरी है कि नहीं। तो हम लोग जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो एक टारगेट होना चाहिए कि भाई ठीक है 25 इधर है तो मैं कम से कम 15 राइट करके जाऊं, ठीक है, 25 में से हम लोग जो 15 राइट करके जाए, तो 15 राइट जब आज मैं करता हूं, मैं 15 का टारगेट बनाता हूं, तो अब सेल्फ इंप्रूवमेंट कहां से आएगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट यहां से आएगी कि अगर 15 राइट होता है तो अगले दिन जो है मुझे 16 तो राइट करना ही है, क्या करना है, मुझे 16 राइट तो करना ही है, तो इससे क्या होगा, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात, आप कंपटीशन में आगे जाओगे, ठीक है। सो अपने अगर 17 से 19 है तो खुद को टारगेट दो कि मैं 20s में लेकर के जाऊं, खुद को टारगेट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फुल मॉक लेंथ हम लोग लेने वाले, टेंशन मतलब फुल मॉक लेंथ हम लोग जरूर लेंगे। आज देखो हमारा जेडब्ल्यू खत्म हुआ है,
ठीक है, आज मेरा आज हम लोग का JEE खत्म हुआ है, तो अब सब लोग जो फोकस करने वाले हैं MHT CET पे। तो जब MHT CET पे फोकस करने वाले हैं तो अब जो हम लोग फुल लेंथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मंथन आपने कहा कि सर स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने शॉर्टकट्स लिए हुए हैं, खास करके ये ध्यान रखना AODI को लेकर के। AODI के शॉर्टकट्स हम लोग ने ऐसे सीखे कि हम लोग को इंटीग्रेट करना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। AODI के मैंने ऐसे शॉर्टकट सिखाए हैं Unacademy पे कि हम लोग को इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली बस जो मैंने शॉर्टकट बताया है वो आप लोग कर देना है, ठीक है। कितने घंटे पढ़ाई करनी है, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितने घंटे हम लोग को पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है इस टाइम पे जहां पे आप लोग खड़े हो बस 4 से 6 घंटा, 4 to 6 hours की अगर आप लोग पढ़ाई करते हो, 6 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, बस 6 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, उससे ज्यादा आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब दूसरा चैप्टर आपको और क्या करना है, 1 hour इज सफिशियंट, एक चैप्टर के लिए 1 घंटा बहुत है, ठीक है। हाँ अश्लेषा, हर चैप्टर के लिए हम लोग बनाएंगे, ठीक है, हर चैप्टर के लिए हम लोग लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, हर चैप्टर के लिए मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। 11th के लिए स्ट्रैटेजी, आर्यन आपने AODI अगर देखा होगा, AODI एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने उसके बारे में क्या एक शॉर्टकट बताया था आप लोगों को, पूरा शॉर्टकट के ऊपर मैंने लेक्चर लिया हुआ है, देखा है आपने आर्यन उसको, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको देखोगे ना तो उसपे मैंने हर एक चीज बताई, मतलब आप लोग को उधर इंटीग्रेट ही नहीं करना है, कुछ इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई उसका इंटीग्रेशन, उसका शॉर्टकट क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था कि x² / a² + y² / b² = 1, तो इसका शॉर्टकट हम लोगों ने क्या किया था, पाई ए बी ले लिया था ना एलिप्स का, बराबर कुछ कैलकुलेट करना पड़ा, कुछ इंटीग्रेट करना पड़ा, कुछ करना पड़ा आप लोग को, नहीं करना पड़ा, उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, उन्होंने पाई ए बी कर दिया, ठीक है। आइडिया हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो मेजर लेक्चर जो होते हैं वो Unacademy के ऐप पे होते, तो आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसको भी वो भेज देता हूं मैं, ठीक है। 7:45 का लेक्चर बेटा 7 को नहीं हो पाएगा, 7:45 को हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। सारे लेक्चर मिलेंगे अर्जुन, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो उस चीज को लेकर के। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आप मैथ्स अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो, याद रखना अगर आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो कहां से शुरू करना है आपको, आपको शुरू करना है कैलकुलस से, ट्रिगो फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक, मेट्राइसेस, वेक्टर और 3D। अगर आप ये इतने चैप्टर्स करके जाते हो, अफनान याद है मैंने बोर्ड में आप लोग को अपने चैनल पे, ठीक है ये जो मेरा चैनल है, तो इसमें मैंने आप लोग को 8 चैप्टर की स्ट्रैटेजी बना करके दी थी, याद है जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग करना क्या है, आप लोग को यही 7 चैनल्स, मैंने आप लोग क्या किया था, मैंने आप लोग को 8 चैप्टर बताए थे बोर्ड्स में, लेकिन अब मैं आपको क्या करने वाला, मैं आपको 7 चैप्टर बता रहा हूं MHT CET में। ये 7 चैप्टर की जो सीरीज अगर आप लोग करके जाते हो तो आप लोग मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो MHT CET में। क्या करना है आपको, कैलकुलस करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करना है आपको, प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल करना है आपको, मैथमेटिकल लॉजिक करना है आपको, मैट्राइसिस करना है, वेक्टर, 3D, लाइन, प्लेन, ये सारी चीजें जो है, हाँ मैंने 8 चैप्टर की सीरीज बनाई थी। अब इधर मैं आपको 7 चैप्टर दे रहा हूं कि ये 7 चैप्टर जो है अगर आप इसको परफेक्ट करके जाते हो ना तो आपका काम जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये 12th के चैप्टर्स की बता रहा हूं मैं, 11th के चैप्टर्स की मैंने ये बात नहीं की है। मॉक टेस्ट मुस्तकीम, अगर आपका पढ़ाई हो चुका है, अगर आपका रिवीजन हो चुका है, तो जितना आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो उतने आप मॉक टेस्ट दो, ये आप ही को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला, मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना आप करो। साहिल 18 घंटे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं बेटा आपको, मैक्सिमम 6 से 7 घंटा बहुत हो गया आपको, 7 घंटा पढ़ना है। शुभम एक चीज याद रखो कि जब आप Unacademy पे जाते हो ना तो Unacademy पे इस नियत से जाओ कि आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 घंटा मेरा स्पेशल क्लास अगर आप पढ़ते हो, अगर आप बैठते हो 2 घंटा, तो उधर आपको सीख के जाओ, अगर आपको सीख के जा रहे हो मतलब आप स्टडी करके ही जा रहे हो ना, बस आपको क्या करना है कि आपको इस चीज का ध्यान, घर पे जाके आपको उन MCQs को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर ये सारे चैप्टर अगर आप 7 चैप्टर करते हो तो मैं आप लोग को बोल सकता हूं कि आप 70+ ला सकते हो मैथ्स में, अगर ये चैप्टर आप लोग करते हो, ठीक है। ऐप पे मेरा नाम सर्च करने का, सैयद मोहम्मद हसनैन, ऐप पे नाम सर्च करो मेरा,
सैयद मोहम्मद हसनैन, तो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, सारे लेसन आपको मिल जाएंगे। एग्जाम का लेवल इजी होने वाला है, एग्जाम का लेवल कोई भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, और लेवल का टेंशन ही मत लो, लेवल का तो टेंशन लेना ही नहीं, जितना मैं करा रहा हूं, जिस लेवल का मैं करा रहा हूं उस लेवल का करके जाओ। और ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि भाई 70 प्लस आप लोग आराम से गेन कर सकते हो अगर आप इतना करके जाते हो, मिनिमम 70 की बात कर रहा हूं मैं। वही अर्जुन मैंने अभी बताया, अभी जस्ट मैंने बताया, देखो रिविजन नोट्स जो मैं आप लोग को एमसीक्यू करा रहा हूं ना, बस उसी को नोट्स बना लो, वही समझो वही आपके नोट्स हैं, ये समझो कि जो मैं आप लोग करा रहा हूं एमसीक्यू वही आपके नोट्स है, उसी से आपको करना है, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे, और आप लोग इतने चैप्टर्स करने पे 70 प्लस बिना किसी टेंशन के स्कोर कर सकते हो। ये सिर्फ मैं 12th की बात कर रहा हूं, ठीक है। नीचे अगर आते हैं 11th स्टैंडर्ड की, लोग बात करते हैं 11th में कितना पढ़ के जाए सर, क्या पढ़ के जाए, ठीक है। अब आगे बताता हूं मैं आप लोग को, और आगे बता रहा हूं उसी 70 प्लस के लिए मैंने बताया था, और भी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज प्रोबेबिलिटी, और मैं 70 प्लस मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। 125 से 130 आते हैं, उसको स्केल अप करने के लिए मुझे लगता है कि सुनीता आपको कैलकुलस और 11th स्टैंडर्ड पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हाँ शुभम, आउट ऑफ बता रहा हूं, आउट ऑफ भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे बढ़ने दो, ठीक है, टेंशन मत लो। हम लोग क्या करने वाले, आप देखो 11th का मेन जो मार्क्स लोग गवा रहे हैं ना, जहां पे मार्क्स कट हो रहे हैं, मार्क्स कहां पे कट हो रहे हैं हमारे, हाँ वही सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहा हूं, मार्क्स कहां पे कट हो रहे हैं हमारे, मार्क्स हमारे कट हो रहे हैं 11th स्टैंडर्ड पे, कहां पे कट हो रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड मार्क्स हमारे ज्यादा कट हो रहे हैं, साहिल मॉनिटर है समझ में आ रहा है। अगर आप लोग गौर करोगे तो आपका मेन मार्क्स जो कट हो रहा है ना, वो आपका 11th स्टैंडर्ड मार्क्स कट हो रहे हैं। अब यहां से आपको मार्क्स गेन करना है, ठीक है, आज तो पहले मैथ्स का आप लोग देख लो, अब यहां से जो है आपको मार्क्स गेन करने हैं। कैलकुलस वीक है, ठीक है, बताता हूं अश्लेषा, टेंशन नहीं, तो सीक्वेंस एंड सीरीज से फोकस करो। अब सीक्वेंस एंड सीरीज पे आपको क्या फोकस करना है कि आपका एपी जीपी शॉर्टकट के लेक्चर्स जो है बेटा आशीष, मैं अभी यूट्यूब पे मेरा पहला ही लेक्चर है, मैं फर्स्ट टाइम अभी लाइव आया हूं अनअकैडमी के उस पे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शॉर्टकट भी सिखाएंगे, यहां पे भी सिखाएंगे, और मैं ऐप पे तो आप लोग को शॉर्टकट सिखा ही रहा हूं, ठीक है। अगर आप ऐप पे मेरे लेक्चर्स देखोगे तो मैंने 2-3 चैप्टर्स के बना भी दिए हैं। कैलकुलस वीक है अनुष्का, मैंने अभी प्लस पे लेक्चर लिया था, अगर आपको चाहिए तो आप प्लस ले लो, ठीक है। जीकेपी 360 मेरा रेफरल कोड है, इफ पॉसिबल तो आप प्लस ले लो, और वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट किसका सिखा रहा हूं मालूम है, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आप लोग को इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने आबरा का डाबरा बराबर याद है, कल का मैंने कल एक इंटीग्रेशन में मेथड सिखाया इन लोगों को आबरा का डाबरा, ठीक है। अब उससे क्या होता है, इससे कोई फर्क, इससे ये सब चीजें सिखाने से क्या होता मालूम है, लोगों को दिमाग में याद रहता है, भूलते नहीं है कि अच्छा अब ये आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी उसको ही लेकर के मैंने बहुत सारे बताया था कि एक्चुअली में क्या होता है, कैलकुलस क्यों वीक होता है हमारा मालूम है, कैलकुलस जो हमारा वीक होता है, बिल्कुल मिलेंगे अर्जुन, बिल्कुल मिलेंगे। कैलकुलस हमारा वीक क्यों होता मालूम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह कि हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अवाड़ा के डाबरा वो तो बेटा हैरी पॉटर में है, इधर हैरी पॉटर नहीं चल रहा, इधर हम लोग आबरा का डाबरा ही करेंगे, ठीक है। मेन टाइप्स पहचानना, नाइस शॉर्ट ट्रिक थी ना वो आबरा का डाबरा वाली, हाँ मेन टाइप्स पहचानना। अगर हम लोग टाइप नहीं पहचानेंगे तो हम लोग आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके अब देखो जो पूछ रहे हैं मेरा टाइमिंग क्या होता है, मेरा टाइमिंग जो लेक्चर का होता है 11:30 AM और 7:45 PM, ये मेरा लेक्चर का टाइमिंग होता है। और वेडनेसडे और सैटरडे को 11:30 AM और 6 PM, ठीक है, ये वेडनेसडे सैटरडे को, ठीक है। कोऑर्डिनेट वीक है, पढ़ाई कैसे कर रहे, तो कोऑर्डिनेट क्या वीक है आपका, हाँ बिल्कुल मिलेगा ईशा, बिल्कुल मिलेगा, अनअकैडमी में आपको सारे ट्रिक्स मिलेंगे, यहाँ पे सब चीज में सिखा रहा हूं, वहां पे सब चीज में बता रहा हूं, तो आराम से आप लोग को आएगा, ठीक है। ओके चलो अभी फिलहाल सीक्वेंस एंड सीरीज पे आप लोग ध्यान देना है, आप लोग को सीक्वेंस एंड सीरीज पे ध्यान देना है, आप लोग को प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस सीरीज में जो एजीपी वाले जो क्वेश्चन आते हैं इन पे ज्यादा फोकस करना, जो एजीपी वाले क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, बिकॉज एजीपी वाले जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार पूछते हैं, प्लस पे सब मिलेगा, नेक्स्ट प्लस पे सब मिलेगा आपको हर एक चीज, बिकॉज मैंने कैलकुलस का वहां पे शुरू भी करा दिया है, तो ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट जो है वहां पे शुरू भी हो गया है, पैराबोला हाइपरबोला सब मिलेगा आपको, ठीक है। आदेश एक एक करके सब बताएंगे बेटा, एक एक करके सब बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इतना पहले कर ले, तो एजीपी से रिलेटेड जो है आपको सब मिलेगा, फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जो आपको लीप ईयर वाले जो क्वेश्चन आते हैं एंजाइटी के लिए, एंजाइटी के लिए, एंजाइटी के लिए आप लोग ध्यान दो, अगर आप लोग को एंजाइटी होती है ना तो एक चीज का ध्यान रखो कि किसी भी चीज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कभी कभी एंजाइटी क्यों होता है मालूम है, जब कोई चीज मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है ना तो भी एंजाइटी होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे कुछ लोग का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है लेकिन जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको लगता है यार ये तो रॉन्ग मुझसे होना ही नहीं चाहिए, अगर ये मुझसे रॉन्ग होंगे तो मैंने क्या ही पढ़ाई की। तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में एक चीजें होने लग जाती कि यार ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, तो आप लोग उस चीज फोकस करो, ठीक है। एक वीक एक मंथ में प्लस पे सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को देखो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, किसी को इतना स्कोर करना है, तो आप लोग ये रेफरल कोड का इस्तेमाल करो, प्लस लो और सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को वहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर ये जो मैंने 12th के चैप्टर्स बताए हैं और मैंने जो 11th के चैप्टर्स बताए हैं, अगर ये इतना अगर आप लोग करके जाओगे तो आप लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हो दोनों मिला करके, ठीक है। जो मैंने 12th का बताया था, प्लीज टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आइडिया बॉन, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, लेक्चर्स देखो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको लेक्चर्स देखने और कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। मोहसिन सर ही है, वो मोहसिन सर ही है, कोई और नहीं है, मोहसिन सर के नाम से नहीं आया है, ठीक है। एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी एजीपी का मतलब होता है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग को बस इतना ध्यान देना है कि अगर 11th के तीन चैप्टर आप लोग करते हो, तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, श्रुति बताता हूं बेटा टेंशन मत लो, तीसरा चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सीक्वेंस सीरीज प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर ये तीन चैप्टर्स आप करते हो। दूसरी बात, अगर आप ये पूरा करते हो जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये 12th का, अगर आप ये दोनों चीज बराबर से करके जाते हो, हाँ ऋषुराज बोलो, अगर ये आप लोग पूरा करके जाते हो तो टोटल जो है आपका 100 में से हम लोग 90 प्लस आराम से गेन कर सकते हैं, जितना मैंने बोला है सिर्फ उतनी चीजों पे फोकस करो, समझ में आया। टेंशन नहीं लेने का, जितना मैंने बोला है, अगर किसी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो कम से कम 12th का इतना कर ले, वो 12th का इतना कर ले और वो 11th का इतना कर ले। अगर इतना कर दिया बिल्कुल, अगर अभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर 11th के ये तीन टॉपिक्स कर ले रहे हो अगर आप लोग, और अगर 12th का अगर आप लोग ये कर ले रहे हो ना, तो आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे आपको एमसीक्यू और रिविजन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको बड़ा प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना तो प्लस पे आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस या एमसीक्यू कोई रिवीजन चाहिए, किसी भी टॉपिक का रिवीजन चाहिए, वो मैं करा दूंगा अपनी स्पेशल क्लास पे, बराबर करेक्ट। अब देखो कोई इस चीज पे बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पे हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो मैंने सिर्फ मुंबई का नहीं, मैंने आप लोग के लिए, बिकॉज बहुत सारा मेरा क्राउड जो है मुंबई पुणे नासिक नागपुर का है, ठीक है। नहीं सारे चैप्टर नहीं, बहुत सारे, देखो रानी हम लोग को सारे चैप्टर साथ में, सारे चैप्टर्स भी नहीं आ रहे, कोनिक्स वोनिक्स में ये सब नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात ये है कि आपको सारे चैप्टर से, ठीक है, मतलब कि अगर मैं 3D लाइन प्लेन बोल रहा हूं तो आपको सब थोड़ी करना है, 3D लाइन प्लेन में आपको सब थोड़ी करने हैं। अभी मैं यहां पे जो है यूट्यूब पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं हर चैप्टर से जो आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालने वाला हूं। आदेश बताएंगे बेटा, थोड़ा रुक जाओ, मेरी स्पेशल क्लास जो है सुनीता अनअकैडमी के ऐप पे 11:30 AM को और 7:45 PM को होती है, और वेडनेसडे सैटरडे को हम लोग 11:30 AM और 6 PM को लेते हैं, ये मेरा टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत जबरदस्त है, तो ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने मुंबई के लिए जो आप लोग को करना चाहिए वो मैंने निकाले हैं, नागपुर पुणे सोलापुर के भी निकाले, बिकॉज बहुत सारा क्राउड मेरा वहां का भी है। तो देखो, और इनका रेंज क्या है, इनका एवरेज रेंज जो है MHT CET का जो कट ऑफ,
बिल्कुल सुरभि, सब कुछ स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे YouTube पे मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं कि जो मैंने चैप्टर्स लिए हैं, ठीक है, जो मैंने चैप्टर्स लिए हैं ठाकुर स्पोर्ट्स कोटे के हिसाब से बहुत सही है, जो मैंने चैप्टर्स लिए हैं उनका मैं टॉप 30 क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूं हर चैप्टर में से। हाँ तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि मैं आप लोग को टॉप 30 क्वेश्चन कराऊंगा? बिल्कुल हो जाएगा सुरभि, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ये हो गया मुंबई की कॉलेजेस। मैंने पुणे के भी कॉलेजेस जो आप लोग के लिए निकाले हुए हैं जो कि अच्छा है, आप लोग देख लो उसको। हाँ बिल्कुल, पुणे के सीओईपी आप लोग कर सकते, सिम्बायोसिस, डीवाई पाटिल, एमआईटी, वीआईटी पुणे एंड सिन्हागढ़, ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपके लिए बहुत बेटर होंगे। जो पुणे से लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर एमएचटी सीटी के लिए कौन से कॉलेज, सिर्फ लेक्चर देखो, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ मैथ्स के लेक्चर आप लोग मेरे देखो उतने काफी हैं, आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मेरे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करो, जैसे साहिल बोल रहा था, ठीक है, जैसे साहिल बोल रहा था कि जो पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं उन पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करो और उसमें से ही आप लोग पढ़ो, काम हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है, ये समझ लो आप लोग। इनके कट ऑफ में भी आप लोग बताता हूं, नहीं दे सकते टॉपर स्टडी, नहीं दे सकते जब तक आपका बोर्ड का मार्क्स नहीं, जब तक आप नहीं दे सकते। करता है शरद, ये नागपुर वालों के लिए है, नागपुर वाले जो लोग बोल रहे थे, कट ऑफ में आप लोग बता रहा हूं शुभम, पहले आप लोग सारे कॉलेजेस के नाम देख लो कौन से कॉलेजेस पे आप लोग को फोकस करना है। पीआईसीटी लिया था ना मैंने, ओ पीआईसीटी इंक्लूड करना भूल गया मैं, पीआईसीटी भी है इसमें, पीआईसीटी इंक्लूड करना भूल गया मैं, ठीक है, पीआईसीटी इंक्लूड करना भूल गया था, पीआईसीटी अच्छा कॉलेज है। दूसरी बात, नागपुर में भी आप लोग, जो लोग नागपुर के रहने वाले हैं उन लोग के लिए क्या अच्छा रहेगा कि श्री रामदेव बाबा, यशवंत राव, तुंडोजी महाराज कॉलेज, रायसोनी कॉलेज, ठीक है, ये सारी चीजें जो है अगर आप लोग करोगे यहाँ के ये कॉलेजेस जो है आपको अच्छे पड़ेंगे, काफी अच्छा इनका है, ठीक है, सारी चीजें प्लेसमेंट को लेकर के, ठीक है। देखो ऐसे भी हो जाता है लेकिन सीटी वहां पे है और अच्छा है अनुष्का अश्लेषा, मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। नासिक के लिए भी लिया हुआ है, नासिक से जो अगर कोई है तो वो भी देख सकता है कि नासिक में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हाँ श्रुतुजा, के वाग, विद्या प्रसारक, ब्रह्मा वैली, एमईटी कॉलेज, कल्याणी, हाँ ऋषिराज, संदीप कॉलेज, तो ये सारी चीजें। अब लेकिन इनके एडमिशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये याद रखो कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको जो रेंज लेना पड़ेगा यहां से वो मिनिमम 150 से शुरुआत हो रही है, कम से कम 150। मुंबई का चिन्ह मैंने बता दिया है, ये पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ये पीडीएफ जो है मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, जिसको ऐड होना है वो इस नंबर पे मैसेज करें, मैं उसको ऐड भी कर दूंगा ग्रुप पे, और ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे भी शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो 150 प्लस से यहां पे शुरुआत हो रही है। हाँ श्रेयस, फुल लेंथ हम लोग मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, फुल लेंथ हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर चीज के लिए जो है टॉप 30 क्वेश्चंस, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस जो है मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं। शरद सबको इंक्लूड नहीं कर सकते बेटा, थर्डोमल भी अच्छा है, थर्डोमल भी अच्छा कॉलेज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना वर्ल्ड फेमस नंबर है 8425936062। अगर आपको कोई भी पूछना है तो आप लोग उसके आगे कर सकते हो। देखो हर ब्रांच के लिए रेंज करता है कट ऑफ, याद रखना कि हर ब्रांच के लिए कट ऑफ अलग अलग है, 5 से 10 मार्क का फर्क पड़ जाता है, ये मैं आप लोग को एवरेज मार्क्स बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो ये मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एवरेज बता रहा हूं, याद रखना इस चीज को लेकर के। 90% साहिल, देखो परसेंटाइल सबसे पहली बात तो आप लोग समझ लो कि परसेंटाइल कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है कि जिसको कौन टॉपर है, फिर टॉपर के मार्क्स को आउट ऑफ कंसीडर करके परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं, तो टॉपर का कितना आता है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी बेटा, देखो मैंने नंबर डाल दिया इधर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। शरद मैंने अभी जस्ट बोला थर्ड ओवल बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, सारे कॉलेजेस को तो अभी इधर ऐड नहीं कर सकते ना बेटा, तो इसीलिए। बाकी अगर आप मुंबई, नासिक और पुणे और हर कॉलेजेस का अगर आप देखते हो, अगर आपको एक अबव एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट कॉलेज अगर आप लोग को चाहिए, तो याद रखो आप लोग कि मिनिमम आपको 150 प्लस लेकर के जाना पड़ेगा। आपको कम से कम 150, बहुत बुरी हालत में अगर आपका बहुत बुरा सीटी जाता, अगर आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए तो भी आपको 150 तो लाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, याद रखना। सुनीता टेंशन मत लो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है, आप मेरे अनअकैडमी के ऐप पे आ जाओ, मेरे लेक्चर्स देखो, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। श्रुतुजा, नागपुर, नासिक और पुणे, मुंबई की अगर हम लोग बात करते तो एवरेज जो कॉलेज है वो काफी एवरेज जो कट ऑफ रहेगा वो 150 मिनिमम रहेगा, कम से कम 150, ठीक है। सोलापुर नहीं लिया है मैंने, ठीक है, सोलापुर नहीं लिया है, मिल जाएगा आप लोग को। वीआईटी पुणे कॉलेज अच्छा है साहिल, वीआईटी पुणे कॉलेज अच्छा है, उधर भी आप ले सकते हो, उधर का भी कट ऑफ जो है वो 141 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे एक मिनट, तो कट ऑफ जो है वो 141 प्लस से शुरू हो रहा है वीआईटी पुणे का। हाँ बिल्कुल, इंडिविजुअल जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये आप लोग ध्यान रखो कि जो इंडिविजुअल ब्रांचेस होते हैं उनका अलग अलग कट ऑफ होता है, ठीक है। मैकेनिकल का अलग होता है, कंप्यूटर का अलग होता है, ज्यादा कंप्यूटर साइंस का ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, लास्ट ईयर 138 मार्क्स और 93 परसेंटाइल थे, 138 मार्क्स पे कहां मिला उसको शरत? देखो मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था वो चीज को लेकर के, कि ब्रांच को लेकर के एकदम टेंशन मत लो। साहिल ने भी देखा होगा वो लेक्चर, बाकी लोगों ने भी देखा होगा मेरा लेक्चर। मैंने क्या बताया था कि अगर आप बेस्ट हो तो ब्रांच इतना फर्क नहीं करता, अगर आप बेस्ट हो तो अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज जो है ना वो सिर्फ आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है, बाकी मेहनत आपको करनी है, बराबर है कि नहीं। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अच्छा ब्रांच मिल जाता है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आगे मेहनत नहीं करोगे, तो क्या उससे कोई फायदा है? बिल्कुल विवेक हो सकती है। मैं अभी जो आप लोग को मेन फोकस करना है, अभी सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। अब मेन बात अब आ रही है इधर, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आ रही है सामने, कि मैंने मैथ्स 1, मैथ्स 2, ठीक है, ठीक है, सबके लिए मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस। वो टॉप 30 क्वेश्चंस में आप लोग क्या मिलने वाला मालूम है? कि वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा शरत, सही है श्रुतुजा, 150 पकड़ के चलो। तो टॉप 30 क्वेश्चंस में क्या क्या रहने वाला है? हाँ बराबर, अनअकैडमी मैंने बोला था, ठीक है। तो आप लोग कोई न्यूज नहीं अभी फिलहाल तो राजेश, तो आप लोग क्या करना है, उन टॉप 30 क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और जो लोग अब स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, तो वो चीज एक चीज याद रखो आप लोग, कि अगर स्टार्ट करना चाहते हो अगर आप लोग पढ़ाई, तो इन चैप्टर्स से आपको स्टार्ट करना है। और पहला चैप्टर कौन सा होना चाहिए देखो, कौन चैप्टर फोकस करोगे आप लोग? कैलकुलस पे आप लोग करोगे? अच्छा ड्रॉपर है क्या ईशा? हाँ वो अनअकैडमी पे भी लूंगा और यूट्यूब पे भी लूंगा, दोनों जगह ले लूंगा, ठीक है, स्पेशल क्लास। ज्ञानेश्वर अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं टॉप 30 क्वेश्चंस जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और अगर किसी ने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, आप लोग याद रखो, किसी ने अगर बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है तो यहां से स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज इतना करने से आप 70 प्लस ले सकते हो, और इतना करने से आप 11th स्टैंडर्ड का भी अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो ये टोटल आपका 90 प्लस जाने वाला है। अगर आपने 11th के इतने टॉपिक्स कर लिए, अगर आपने 12th के इतने टॉपिक्स कर लिए, आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर लोगे। रंजना आपको ये अनअकैडमी के ऐप पे टॉप 30 क्वेश्चंस और यूट्यूब पे टॉप 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोनों तरफ। कैलकुलस पूरा करना पड़ेगा, कैलकुलस में अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक बार श्रुतुजा निकाल देते हो तो चल भी जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलस पूरा आप लोग करो, ठीक है। क्लास पे अनुष्का, देखो जो मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लूंगा वो मैं आप लोग के लिए स्पेशल क्लास में ही रहने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो। लेकिन अगर किसी को कॉन्सेप्ट समझना है, कोई टॉपिक अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, एकदम स्टार्ट से शुरू करना है, तो फिर उसके लिए आपको प्लस पे आना पड़ेगा,
और ये आपका रेफरल कोड है GKP360। आपको इसका इस्तेमाल करना है, या तो डिस्क्रिप्शन में सैयद लाइव करके भी है एक रेफरल कोड, उसका भी आपको इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं टेंशन को लेकर के, जो बहुत सारे लोग को आ रही थी, ठीक है। बहुत सारे लोग को टेंशन हो रहा था कि सर मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स आता है लेकिन फिर भी एंजाइटी हो रही है, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े समझ में नहीं आ रहा। तो एक चीज मैं आप लोग को बोलूंगा कि देखो यार, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा आराम दो। वही रंजना, पढ़ाई हुई है पर डर लगता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज होती है, ठीक है। पढ़ाई हो गई है फिर भी डर लग रहा है, क्या करें, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगा कि बाकी लोग, ये डर क्यों लग रहा मालूम है, ये डर इसलिए लग रहा है कि कहीं मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो क्या होगा, कहीं मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ये डर आप लोग को नहीं रखना है। ये डर कैसे निकालोगे, ये डर कैसे निकालोगे, ये डर तब निकलता है जब आप अपना कॉम्पिटिशन खुद के साथ रखते हो, खुद को इंप्रूव करने की सोचते हो। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, तो जो उसको पीछे करने का जो प्रेशर रहता है ना, वो आपको डराता है, ठीक है। अगर खुद से रहेगा ना, अगर खुद से प्रेशर, खुद से अगर कंपटीशन रखोगे ना, तो कोई प्रेशर नहीं होता, बिकॉज सेल्फ इंप्रूव करना बहुत आसान होता है। मिकी माउस फिजिक्स और केमिस्ट्री का किसी और दिन, ठीक है, अभी मैं मैथ्स का बता रहा हूं। दूसरे से कंपटीशन रखोगे तकलीफ होगी, देखो कंपटीशन तो दूसरे से है मुझे मालूम है, लेकिन अगर खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे ना, तो आप लोग जो है आगे निकल जाओगे, ये बात याद रखो। बिकॉज अगर खुद का इंप्रूवमेंट होगा, आप दूसरे से भी आगे बढ़ोगे, दूसरे से भी आप लोग आगे बढ़ोगे, आगे निकल जाओगे आप लोग, टेंशन नहीं लेने का है। मुझे क्या होता था, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मुझे क्या लगता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे जॉब ना मिले। मुझे ना एकदम मतलब वैसे वाले सपने आते थे कि मैं रोड पे बैठ जाऊंगा, कोई मुझे जॉब नहीं देगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे भी आती थी, लेकिन फिर मैंने उस दिन से सीख लिया, ठीक है, लेकिन फिर मैंने उस दिन से सीख लिया कि नहीं भाई, दूसरे के बारे में, दूसरे को पीछे करने से अच्छा है ना कि खुद को मैं अच्छा बनाऊं। खुद को अच्छा बनाओगे बहुत आगे तक जाओगे। और याद रखना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद से लड़ना है। सही बात है रंजना। ट्रेंडिंग हब आपको 130 135 प्लस चाहिए रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। नो डर, बी एंजॉय इन लाइफ। शरद का बी एंजॉय इन लाइफ कभी खत्म ही नहीं होता है, है बट जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूं तब सब भूल जाती है व्हाट टू डू। चुतुजा, यहां पे एक क्यों प्रॉब्लम होती है मालूम है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने फॉर्मूले तो याद कर लिए, फॉर्मूले सबको याद है, लेकिन उन फॉर्मूले को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो। श्रुतुजा, मेन प्रॉब्लम आपके साथ ये हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अप्लाई करने नहीं आ रहा है। हाँ, टॉप 30 क्वेश्चन अनअकैडमी, सीईटी का लेवल इजी होगा, ठीक है। सीईटी का जो लेवल है वो आसानी होने वाला है, उसका आप लोग घबरा मत, उसका आप लोग टेंशन मत लो, सीईटी आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग को देखो, मैंने जहां तक आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, ओपन का तो 150 प्लस, अपडेट पूछ रहा है कुछ, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। घर में यूज करती हूं भी, ठीक है। तो अभी आप लोग को जो फोकस करना है, आप लोग बस इस चीज पे ध्यान दो कि आप लोग जो है, और टाइम टेबल की बात, प्रतीक, मैंने जस्ट अभी टाइम टेबल आप लोग को बताया था कि आप लोग जो मेन फोकस कर रहे हो ना, आप लोग का जो मेन फोकस जो होना चाहिए, मैं अभी आप लोग बताता हूं एक चीज, ठीक है। आप लोग जो है, अगर आपका पीसीएम है, अगर आपका पीसीएम है, आप मैथ्स को 2 घंटा दो, आप मैथ्स को कितना घंटा दो, 2 घंटा, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा और फिजिक्स को 1.5 घंटा, तो 1.5 आवर्स कितना, 3 घंटा होता है। मैथ्स को 2 घंटा दो, टोटल कितना, 5 घंटा सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। अगर आपका पीसीबी है तो मैथ्स के जगह बायो को रिप्लेस कर लो, ये 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर लेते हो बस, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और खासकर मैंने आपको तो मैथ्स पहले से बताया हुआ है, क्या बताया मैंने मैथ्स में आप लोग को पहले से ही, कि भाई आप लोग को जितना मैं करा रहा हूं, अगर आप लोग कोई टॉपिक नहीं भी आता है, तो मैंने आप लोग क्या बोला था, सिर्फ मेरा पीडीएफ डाउनलोड करो, लेक्चर के बाद आप लोग को मेरा पीडीएफ मिलता है कि नहीं मिलता है, पीडीएफ मिलता है, उन पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करो, उनमें से ही प्रैक्टिस करो,
बराबर समझ में आ गया, वो पीडीएफ से डाउनलोड करो। कोई खास करके जैसे कैलकुलस आप लोग को आता है, एमसीक्यूज आदित्य जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं ना अनअकैडमी के ऐप पे, वही एमसीक्यूज दो। मैं मॉक प्रोवाइड कर रहा हूं, मॉक में ना 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन मॉक के डाल रहा हूं, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओबीसी वाले देखो 130-135 फिर भी आप लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये चीज आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका पीसीएम है तो मैथ पे फोकस करो, पीसीबी है तो बी पे फोकस करो, पीसीएमबी है अगर ईशा, तो एक चीज याद रखो कि आपको दोनों में से एक फोकस अब सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोनों में से आप लोग को एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो वक्त आ चुका है, अब आप दोनों पे फोकस करोगे, देखो एक ना एक फिर मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से एक को नुकसान होता है। YouTube पे भी मिलेगा लेकिन आदित्य मेन जो आपका जो मिलने वाला है वो अनअकैडमी के ऐप पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक्स्ट्रा एमसीक्यू देखो स्वप्निल, अगर आपको खुद को सॉल्व करना है, खुद को बोलते ना एकदम दिल को शांति पहुंचानी है, तो आप एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करो। और अगर आपको जितने टाइप मैंने करवाए हुए हैं, जितने टाइप ठीक है, जितने टाइप्स मैंने कराए हुए हैं ना, वो टाइप अगर आप उतने ही टाइप के करोगे ना तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई बुक्स को प्रिफर करना है, हाँ वेदांत मिल जाएगा आपको उधर भी, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बनाने हैं, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज अगर आप लोग को सॉल्व करने हैं, तो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ले लो अरिहंत ले लो, ठीक है, आप इधर ले लो, आप टारगेट ले सकते हो, और या तो मार्वल, ये तीन बुक्स को मैं प्रेफर करता हूं, ठीक है, ये तीन बुक्स को मैं प्रेफर करता हूं। बाकी अगर आप लोग देखोगे, हाँ सच में आकांक्षा, ठीक है, सच में अगर आप, और सबसे बेस्ट बुक जो मैं बोलता हूं ना आप लोग को, वो अरिहंत और टारगेट लो, जिनमें मैंने अभी बताया मुंबई कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। प्रणीत एक सम्मानजनक स्कोर जो है, अगर आप 150 एनीथिंग अबाउट 150 वो एक सम्मानजनक स्कोर है। विद्या भारती मैंने, शुभम मैंने अब तक देखी नहीं है, मैंने उसके बारे में ज्यादा लोग से सुना नहीं है, तो मैं विद्या भारती के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को जितना मैंने किताबें देखी हैं उसके हिसाब से मुझे अरियन टारगेट और मार्वल में ज्यादा बेटर लगता है। और टारगेट जो है मुझे लगता है टारगेट और भी बेस्ट क्यों है, बिकॉज वो आपको अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज प्रोवाइड करता है। मतलब किस टाइप के, अगर आप देखोगे, अगर किसी ने टारगेट यूज की होगी, हाँ वेदांति मिल जाएगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल सुनिके, जितना मैं कराऊंगा उतना करो, सारे टाइप करेंगे, टॉप 30 में सारे टाइप के हम लोग करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 200, ठीक है। तो अगर किसी ने टारगेट सॉल्व किया रहेगा तो आप लोग को मालूम है, एटलीस्ट प्रणीत 160 के ले जाओ, एटलीस्ट प्रणीत 160 के ले जाओ। हाँ मुझे मालूम है राजेश साहब आता है तुमको कैलकुलस, ठीक है, क्रिटिकल होता है, क्लासिकल होता है। तो अगर कोई टारगेट से पढ़ रहा है, मैं आप लोग को देखो बताना चाहता हूं कि अगर आप टारगेट से प्रणीत एटलीस्ट 160 के लिए जाओ बेटा, ठीक है, एटलीस्ट 160 के लिए जाओ। और अगर कोई टारगेट से पढ़ाई कर रहा है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना कि आप लोग क्रिटिकल और कॉम्पिटिटिव पे ही फोकस करो। किस पे फोकस करना है आप लोग को, क्रिटिकल और कॉम्पिटिटिव पे। 90 तक आ जाता है मैथ्स में, उसके ऊपर थोड़ा टफ पड़ता है, जाने थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आदित्य यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है मालूम है आदित्य, आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो रॉन्ग हो रहा है वो कौन से सब्जेक्ट से रॉन्ग हो रहा है, वो कौन से चैप्टर से रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आदित्य, कौन से चैप्टर से। जब अक्सर जो लोग बोलते हैं ना सर 125-130 के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बुक का नाम है, ठीक है, कि 125-130 के आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, 90 के ऊपर मैथ्स में नहीं जा पा रहा हूं, तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या मालूम है, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कहां पे आप रॉन्ग कर रहे हो, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। विवेक मेरे एमसीक्यूज की आप 100% गारंटी ले सकते हो, अगर आप मेरे एमसीक्यूज को देखोगे और जो कर्नाटक सीटी का पेपर आया था अगर आप उसको देखोगे तो उसमें से ही 25 से 30 एमसीक्यू सेम आए थे। अभी भी जाकर के देखो, जो इस साल कर्नाटक एमसीक्यू हुआ था देखा है,
इसलिए मैंने आप लोग को बोला भी कि देखो मैं जो करा रहा हूँ और केसीटी का पेपर देखो, अगर आप लोग वो करते हो तो आपका काम जो है इजीली हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं अगर आप कुछ भी नहीं करते हो सिर्फ और सिर्फ मेरे एमसीक्यूज करके जाओगे 90 प्लस तो आराम से एकदम मक्खन जैसा आपके सामने रखा है। और अगर आपको 100 लाना है, अगर आपको 100 में से 100 लाना है, तो पहले ही आपको खुद को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि भाई जो मैं 5 एमसीक्यूज रॉन्ग कर रहा हूं मैथ्स में, आपको देख के सब आता है। बेटा ईशा एमएसटी सीटी और केसीटी का लेवल सेम है बेटा, एमएसटी सीटी और केसीटी का सिलेबस और लेवल जो है ऑलमोस्ट पूरा सेम है, कोई फर्क नहीं है उनके लेवल पे, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको फिजिक्स के सर बता देंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा। दर्शन उसमें आप लोग बोल सकते हो कि भाई 30-40 क्वेश्चन जो है उस तरीके से आ जाएंगे, हाँ ठीक है। ये सारी चीजों पर जो है आपको फोकस करना है, ठीक है। यहां पर बबीता मैथ्स के टिप्स बता रहा था, फिजिक्स के लिए आपको अलग से बताया जाएगा, यहां पे मैं आप लोगों को मैथ्स के लिए बता रहा था। बहुत इजी है, WBJEE ठीक ठाक लेवल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक लेवल है उसका, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। तो आप लोग को अगर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि अब जो है यहां से मेरा ये इंट्रो लेक्चर था जिसमें मैं आप लोग को बताने वाला था, ओके, ऑल द सेशन वैभव, मैंने जो यहाँ पे पहले बताया वो मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, 12th में आपको कितना क्या पढ़ के जाना है, 11th में आपको कितना पढ़ के जाना है, मैंने उन चैप्टर्स के नाम बताए थे और मैंने कहा था अगर आप उतना चैप्टर्स करके जाते हो तो आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर मैंने कुछ कॉलेजेस के बारे में बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस आप कर सकते हो जिनमें आपको अच्छा अगर मार्क्स लाते तो उन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीजें बताई थी। अगर प्रोबेबिलिटी टफ लगता है तो आप लोग क्या करना है प्रोबेबिलिटी के लिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे एमसीक्यूज करके जाओ, उतने एमसीक्यूज आप लोग करके जाओगे उस टाइप के आएगा तो आपका काम हो जाएगा, इतना ही करना है बस आपको, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को कल के सेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। हाँ ऋषु बोलो, बोलो ऋषु, ठीक है। तो कल के सेशन के बारे में, हाँ श्रुतुजा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अरे बिल्कुल दर्शन, पब्लिसिटी कर देना यार, ठीक है। रंजना पीएलपीएन कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि आप उससे कर रहे हो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अच्छी बुक है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं आर्यन तो टारगेट करता हूं, हर साल उससे ही कराता हूं, बहुत सारे लोग को उससे बहुत फायदा होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अमरावती के बारे में बेटा ऋषुराज थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं उसको, तो देखना पड़ेगा उस चीज को लेकर के, समझ में आ रहा है। अब एक चीज याद रखो, हाँ बोलो ना, हाँ अगर मेरे लेक्चर का लिंक दिया रहेगा आदित्य तो आपको मिल जाएगा। वैभव अनअकैडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लो बेटा, अनअकैडमी का ऐप जो है आप डाउनलोड कर लो, वहां पे आप सर्च करो, देखो ये आपको सर्च करना पड़ेगा मेरा नाम, तो वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, हर चैप्टर के आपको वहां पे मिल जाएंगे बेटा। हाँ ये शरद तुम लोग उसको चिढ़ाओ मत राजेश को, तुम लोग चिढ़ाओ मत उसको। अच्छा अब कल कौन सा टॉपिक रखना है ये हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है, कल हम लोग कौन सा टॉपिक रखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि कल जो है मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज 11:30 AM, सीक्वेंस एंड सीरीज, राजेश इन्हें से चिढ़ा रहे हैं तुमको, 11:30 AM सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, ओके, बहुत सारे लोग प्लेन के लिए बोल रहे हैं। 7:45 PM को प्लेन रख लेते हैं, ठीक है, और दोनों का रिवीजन ले रहा हूं। और जो लोग देखो यहां पे मुझे पहली बार इधर इस YouTube चैनल पे देख रहे हो ना, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, सैयद मोहम्मद हसनैन तुम लोग सर्च कर लेना, MHT CET में स्पेशल क्लास मेरा कल, दोनों स्पेशल क्लास है, सुबह 11:30 AM एंड 7:45 PM,
ठीक है, क्या ईशा क्या पूछ रहे हो आप? वेंकटेश रिवीजन ले रहा हूं, रिवीजन बेटा, ठीक है। तो सुबह सीक्वेंस एंड सीरीज और शाम में प्लेन। नहीं दर्शन, मेरे बहुत सारे लेक्चर हो चुके बेटा, मैं एक दो महीने से पढ़ा रहा हूं उधर अनअकैडमी के ऐप पे। आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा, आप आ जाओ मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके दर्शन, मैं सीक्वेंस सीरीज का करा चुका हूं लेकिन फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो। टेक्स्ट बुक से ऐश्वर्या करोगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला एमएसटी सीटी में। देखो टेक्स्ट बुक से आपको 25-30% क्वेश्चंस आएंगे, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चंस बोला जाता है, ठीक है। ईशा आप कुछ पूछ रहे हो बेटा, ठीक है। 25-30% क्वेश्चन जो एमएसटी सीटी में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को लेकर के। अगर आप उतना करोगे तो आपका काम इधर बन जाएगा। ओके चलो बढ़िया है, हम लोग कल मिलते हैं अनअकैडमी के ऐप पे सुबह 11:30 बजे सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ। हो जाएगा दर्शन, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन, थैंक यू। फ्री है बेटा, एकदम फ्री है।